खबर है कन्नौज से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक दिवसीय दौरा और तीव्र मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने कंधों पर ले जाता दिखा। आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कन्नौज जिले से हमारे संवाददाता यश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी यश जी, क्या है पूरा मामला जो ये वीडियो सामने आया है और आज डिप्टी सीएम का दौरा भी है? जी मैडम, ये एक वीडियो तिरवा के मेडिकल कॉलेज से आया है, जहां पर एक व्यक्ति अपने भाई को व्हीलचेयर ना मिलने की वजह से अपने कंधों पर ले जाता हुआ दिखा है, वो भी इमरजेंसी वार्ड से एक्सरे कराने के लिए। जब एक्सरे कराने के बाद उसे व्हीलचेयर मिली, फिर भी वहां पर कोई वार्ड बॉय नहीं मौजूद था। वो अपने भाई को और उसका एक परिजन और था साथ में, वो दोनों लोग अपने व्हीलचेयर को खुद धक्का देते हुए इमरजेंसी वार्ड तक लाए हैं। यस जी, जो ये वीडियो वायरल हुआ है, क्या यहाँ पर भी डिप्टी सीएम का दौरा होना था? जी 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 मैडम, बिल्कुल यहाँ पर भी डिप्टी सीएम का दौरा था और वो यहाँ पर आए, लेकिन उसके पहले का ये वीडियो वायरल हुआ है जी। लेकिन वहाँ पर फिर भी कोई भी प्रशासन की व्यवस्थाएं नहीं थी। अच्छा यस जी, ये घटना आज ही सामने आई है, उससे पहले भी ऐसा हुआ? जी जी, ये आज भी आई है और इससे पहले कई बार भी ऐसा वीडियो सामने आ चुका है, जिसकी खबरें भी चली हैं और डीएम साहब और सीएम साहब को भी इस विषय में बताया गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। यहाँ पर ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। अच्छा यश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तीर्व मेडिकल में वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सुविधा सामने आई, लापरवाही की तस्वीर। अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर तक मुहैया नहीं करा पा रहा प्रशासन, वहीं दूसरी तरफ तीमारदार अपने मरीज को स्ट्रेचर पर एक्सरे कक्ष से इमरजेंसी वार्ड तक धक्का लगाकर ले जाते दिखा। और जानकारी के लिए और छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ अपडेट मीडिया 24x7 न्यूज चैनल पर। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।